डोनाल्ड ट्रंप कहां कहां पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, उस लिहाज से ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने, जिसमें देखिए टेक्सास, मोंटाना, नॉर्थ डेकोटा, साउथ डेकोटा, व्योमिंग के साथ साथ ओक्लाहामा, अर्कॉन्सिन, लुइसियाना, मिसिसिपी, अलबामा और फ्लोरिडा के साथ साथ साउथ कैरोलिना, टेनेसी, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया, ओहायो और इंडियाना, ये सब कुछ, ये जो आंकड़ों के लिहाज से इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी है, ये वो राज्य है जो डोनाल्ड ट्रंप जहां पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंडेट आप देख रहे हैं किस तरह से ये ट्रंप के फेवर में गया है, इन राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त ताज़ा तस्वीर आ रही है। अब कमला हैरिस की बात कर लेते हैं, वो कहाँ जीत रही हैं और किन स्टेट्स में जीत रही हैं। न्यूयॉर्क, इलिनॉइस, मिसौरी और मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, वर्मंट, मैरीलैंड, डेलावेयर और न्यू जर्सी, ये वो राज्य हैं जहाँ पर कमला हैरिस बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि स्थिति डावाडोल है, पूरी तरह से पिक्चर क्लियर नहीं है। और जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि उसमें कैसे छः स्विंग स्टेट्स में ट्रंप बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। तो कमला हैरिस का हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किन राज्यों में वो आगे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी हमने आपको बताई। प्रोफेसर राजन, मैं काफ़ी देर से आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, आपको अब क्या लगता है? देखिए, काफ़ी स्थिति साफ होती हुई दिख रही है, एक दो घंटे और जब पूरी तरह से पता लग पाएगा कि मेजोरिटी की तरफ कौन आगे जा रहा है, जो अभी पिक्चर लग रही है वो ट्रंप के फेवर में है। आपको कौन से पॉइंट्स इस वक्त समझ में आए, क्यों ट्रंप जीतते हुए दिख रहे हैं? देखिए, अभी का जो टेक्निकल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करें तो आप देख रहे हैं कि आपके टीवी स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं कि 246 सीट ऑलरेडी मिल चुके हैं ट्रंप को, तो इसमें अगर पेंसिल्वेनिया यानी 19 उसमें जोड़ देते हैं तो उनको केवल एक और स्टेट जीतने की ज़रूरत है और वो जीत जाएंगे। और विस्कॉन्सिन में भी 10 सीट है या एरिजोना में 11 है, कोई भी अगर एक भी उनके हाथ में आता है तो उनके जीतने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक जीतने का कारण है, एक तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये सच है कि बाइडेन की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको लेके लोग वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं थे। वहाँ पे कोविड के बाद अगर मैं बात करूँ, जो हाउसिंग रेंट की बात करूँ, जो जिनके पास अपने घर हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रेंट पे वहाँ पे 30% वहाँ पे इजाफा हुआ था, उसकी बढ़ोतरी हुई थी। तो और जो फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन जो होता है, जो कि सीधा लोग उस पर असर होता है, वर्किंग क्लास पे जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो काफ़ी वहाँ पे 8-10% ज़्यादा इंक्रीज हो गया था कोविड के बाद में, तो उसका सीधा असर वहाँ पे। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू था, हालांकि बाइडेन की इकोनॉमिक पॉलिसी उतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जिस हिसाब से उन्होंने प्रॉमिस किया था वो नहीं कर पाए। बट नो डाउट प्रोफेसर राजन, जॉब क्रिएशन की बात करें, इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने की बात करें, ये बातें तो कमला हैरिस ने भी कही थी। मंतोष जी, सवाल उस लिहाज से आपसे कर रही हूँ क्योंकि अभी जिस तरीके से, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप दबदबा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये स्टेट वाइज डिटेल भी हमने सामने रखी है। फिलहाल कैलिफोर्निया में कमला हैरिस की जीत को लेकर इस वक्त की कंफर्मेशन आ चुकी है, जो अभी तक बढ़त बनाई हुई थी कि अब कैलिफोर्निया में कमला हैरिस जीत चुकी है। और फिलहाल पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में ट्रंप आगे चल रहे हैं, स्विंग स्टेट्स को देखते हुए कितना इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करते हैं। उसके तहत भी आज की सबसे बड़ी खबर मंतोष जी, हमने ये देखी कि स्विंग स्टेट्स में भी ट्रंप बढ़त के साथ आगे हैं, लेकिन टैक्सेशन जैसे मुद्दे हो या कमला हैरिस की पॉलिसीज को ही, क्या कहीं ना कहीं काउंटर करने में ट्रंप यहां पर कामयाब रहे और वो जनता के सामने विजन रख पाए, इसीलिए आज सब कुछ उनके फेवर में? मेरे ख्याल से विजन से ज्यादा इंटेंट जगाने में ट्रंप सफल रहे। वेरी सिंपल, लाइक व्हाट हैपेंड इन 2016 का भी इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया मान रहा था कि क्लिंटन जीत रही है, और क्लिंटन का भी कैंपेन कुछ इनसे डिफरेंट था, लेकिन कुछ मुझे पसंद करो वो गड़बड़ है, मैं पसंद करो मैं अच्छी हूँ। इसके बजाय ट्रंप बजाय और जितने भी उस पर इल्जाम उस समय लग रहे थे, लड़की का हुआ, अब जो भी हुआ, लेकिन क्लियर इंटेंट था, आई विल ब्रिंग योर जॉब बैक, आई विल टीच चाइना लेसन, आई विल पुट अ बाउंड्री इन द साउथ बॉर्डर, क्लियर इंटेंट। And that really percolated down, particularly in the Midwest. And Midwest में जो Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Ohio भी अगर जोड़िए, ये crowd right wing whites नहीं है, ये traditional काम करने, factory में काम करने वाले लोग थे जो traditionally union के थे, union democrats होते थे, उनकी नौकरी चली गई। ये जो जब से ये China का model last 30 years से develop हुआ, parts पूजे की नौकरी वहाँ चले गई, and people परेशान थे। And Trump understood this and एक अलायंस उनका बनाया, नीचे नीचे आके क्रिश्चियनिटी लोगों क्या बोलते हैं उनको, उनके साथ अलायंस बनाया, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ,
and that was a very big coalition and very clear intent ki I will bring your job back, I will teach China a lesson, immigration pe main control karunga, and it percolated right there. This campaign mein bhi, even though wo rowdy lag rahe the, unke bolne ka tarika polite and soft nahi lag raha tha, lekin seems like people went into the intent, believed him that he is the guy who will bring my misery off, because Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, ye area राइट विंग नहीं है. इवन ओहायो के सेंट्रिस्ट रिपब्लिकन है, मॉडरेट रिपब्लिकन वहां की पॉपुलेशन है जनरली. इफ दे आर बिलीविंग इट, इट इज रिपीट ऑफ 2016 इन माय ओपिनियन. जी, बड़ी बात आपने बताई मंतोष जी. पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं. पिनाक सर, आपको क्या लगता है, क्या सहानुभूति वोट ट्रंप को ज्यादा मिले इस वजह से ट्रंप की ये जीत है? क्योंकि अगर इन आंकड़ों पर जाएं, 246 इस वक्त इलेक्टोरल है, 30 सीटें और ज्यादा बहुमत से 30 सीटें दूर हैं. अगर ऐसा होता है तो ट्रंप एक बड़े रिजीम के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जो उन्होंने पहले किया. शायद वो इफ्स एंड बट्स उसको एलिमिनेट कर अब वो नए रिजीम के साथ आगे बढ़े. देखिए, सहानुभूति का वोट उतना स्विंग नहीं कर पाता है जितने की जो हार्ड मुद्दे हैं, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, इकोनॉमिक है, इमिग्रेशन है और बाकी जो मुद्दे हैं, तो इनकी भी प्रायोरिटीज़ हैं. हाईएस्ट प्रायोरिटी में तो इकोनॉमी है, ये तो हम सब लोग मानते हैं. तो इसमें सेंटिमेंट की बात नहीं होती है, इसमें तो होता है कि मैं, यू नो, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ माय ब्रेड, यू नो, इस तरह की जो ब्रेड एंड बटर जिसे हम कहते हैं, या रोटी, रोजी रोटी की बात जब आ जाती है. और ये 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 सबसे बड़ा इम्पैक्ट किया है उन्होंने, मतलब वोटिंग पे, क्योंकि ट्रंप जो जिस तरह की प्रोमिसज कर रहे हैं उससे उनको लग रहा है कि वो इकोनॉमिक इश्यूज पे जोर देंगे और महंगाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, और वो टैरिफ की बात कर रहे हैं. ऑल्दो टैरिफ का उल्टा भी असर पड़ सकता है, ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे क्योंकि जो सस्ता माल दुनिया भर से अमेरिका को जाता है उस पर फिर वो दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि अगर टैरिफ बढ़ेगा तो दाम भी बढ़ेंगे उसमें, जब लोकल रिटेल लेवल पे. तो मुझे लगता है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इशू है. वोटर की साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वो कैसे सामने आई, क्या वोटर ने सोचकर ट्रंप को वोट दिया? मुझे तो लगता है कि वो इकोनॉमिक इश्यूज जो मैं अभी बात कर रहा था वो मेन इशू है. मैं उस पर, अगर आप मुझे बोले कि यू नो कितना परसेंटेज वो मतलब काम किया है, तो मैं तो कहूँगा कि एटलीस्ट 60-70% वो इशू रहेगा. उसके बाद बाकी इश्यूज हैं, इमिग्रेशन भी काफ़ी बड़ा इशू है नेक्स्ट प्रायोरिटी में. उसके बाद बाकी इश्यूज हैं, अबॉर्शन है और बाकी जो भी है, और क्योंकि लेगेसी इश्यूज हैं या फिर कोई नया विजन नहीं उनको मिला हैरिस से, इस तरह की बाकी इश्यूज हैं.